हाय गाइस, मेरा नाम ज़िया परवीन है। आज मैं अपनी यूट्यूब की पहली वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों को हनी बी के बारे में बताऊँगी। कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, कुछ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो हनी बी का जो फाइलम होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा होता है। ऑर्डर इसका होता है हाइमेन नोप्टेरा, फैमिली एपिडे, जीनस एपिस। इसका हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ हनी बी। हनी बीज आर हाईली ऑर्गेनाइज सोशल इंसेक्ट रिपोर्टेड आर ओवर द वर्ल्ड। हनी बीज होती हैं हाईली ऑर्गेनाइज होती है, अत्यधिक संगठित सोशल इंसेक्ट होती हैं, सामाजिक इंसेक्ट होती हैं, रिपोर्टेड आल ओवर द, जो कि सारी दुनिया में रिपोर्टेड है। हनी बी आल दो दे आर वेरी एक्टिव थ्रू ऑल द ईयर, वो पूरे साल बहुत एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, बट इन विंटर सीजन, लेकिन जब विंटर का सीजन आ जाता है, विंटर के सीज़न में, ठंड के सीज़न में, दे डू लिटिल वर्क, वो लिटिल वर्क ही करती हैं, थोड़ा ही काम करती हैं। तो एंड लिटिल वर्क एंड डू नॉट रियर द ब्रूड। ब्रूड मतलब जो हनी बी का जो अंडा होता है उसको ब्रूड कहते हैं, एंड रियर मतलब पालन पोषण करना। तो डू नॉट रियर द ब्रूड, ब्रूड का पालन पोषण नहीं करती हैं। इन स्प्रिंग सीज़न जो होता है, स्प्रिंग के सीज़न में, बसंत के सीज़न में, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, आप लोग जानते हैं बसंत सीज़न में फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स खिलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जिस टाइम पे फ्लावर्स खिलते हैं, दे प्रिपेयर ए स्ट्रॉन्ग कॉलोनी विथ हनी रिच कॉम्ब्स। वो एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी बनाते हैं जिसमें हनी रिच कॉम्ब्स होते हैं। जो कॉम्ब्स होते हैं, जैसे कि हनी जो का छत्ता, उसको हाइव बोलते हैं। हाइव में बहुत सारे कॉम्ब्स होते हैं अलग अलग, तो उसमें हनी रिच कॉम्ब्स वो बनाती हैं। हनी रिच कॉम्ब्स मतलब कि कॉलोनी बनाती है जिसमें हनी रिच कॉम्ब्स होते हैं। दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म एंड गुड डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि ये पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करती हैं, शो करती हैं, एंड गुड डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर के अच्छे डिवीजन को भी शो करती हैं। पॉलीमॉर्फी मतलब कि मान लीजिए एक स्पीसीज है, उसमें जो मान लीजिए एक स्पीसीज है उसमें जो मेंबर्स स्पीसीज के अलग अलग हैं, मेंबर्स स्पीसीज में अलग अलग हैं, इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं। जैसे कि हनी भी एक स्पीसीज है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जैसे क्वीन हो गई, क्वीन हो जाती है, ड्रोन हो जाता है, वर्कर्स हो जाते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं। तो कहाँ थे हम, द बी हीव्स विथ थाउजेंड ऑफ द इंडिविजुअल्स आर ऑब्जर्व हैंगिंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड सीलिंग ऑफ द हाउस। आपने देखा होगा कि जो बी हीव्स होते हैं, तो हीव्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं बी के, और वो हैंगिंग डाउन हमने देखा होगा, हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि ट्री के ब्रांचेस से या सीलिंग ऑफ हाउस से, या सीलिंग हाउस मतलब कि जो घर के छत होते हैं उनसे हम आपको लटके हुए दिखेंगे। द वर्कर्स कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फॉर द लोकेशन ऑफ द फूड सोर्स थ्रू द वैगल डांस। वैगल डांस मतलब कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वेडर लास्ट मॉर्निंग में। जो वर्कर्स होते हैं वो जब उनको कहीं पता चल जाता है कि यहाँ पर फूड सोर्स है या यहाँ पर पानी है या फूड है, तो उसको वैकल डांस के द्वारा अपने दोस्तों को वो मतलब कि बताते हैं कि यहाँ फूड है, हाँ जल्दी से आ जाओ सब लोग। तो ए फेनोमिनन कॉल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द फिश, को लैंग्वेज ऑफ बीच भी कह सकते हैं, ठीक है, बीच की लैंग्वेज भी कह सकते हैं। उनको कहीं पानी पिला या उनको फूड सोर्स मिला, तो वो मतलब कि वैकल डांस के द्वारा बताते हैं। द एमिनेंट बायोलॉजिस्ट कार्लवान फिश, जिसको कार्लवान फिश ने दिया था, ही हैज़ मेंशन दैट द रेट ऑफ डांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द फूड। जो रेट ऑफ डांस होता है वो फूड के डिस्टेंस के बराबर होता है। स्पीसीज ऑफ हनी बीज, स्पीसीज ऑफ हनी बीज देखेंगे तो फोर स्पीसीज होती हैं। एक पहला स्पीसीज है एपिस डॉर्सेटा एफ, उसको रॉक बी भी कहते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट बी, ये सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी बी होती है, अबाउट 20 mm, जिसका 20 mm की होती है इन लेंथ। सो नेम एट द जेंट बी, हन जेंट्स हनी बी भी कहते हैं, वो सारंग भी कहते हैं, एंड बॉम्बेरा भी कहते हैं। ये 20 mm की लेंथ में होती है। आर अदर नेम्स ऑफ दिस बी विच यील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी इन कंपैरिजन टू द अदर स्पीसीज। आर अदर नेम्स ऑफ दिस बी विच यील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हनी इन कंपैरिजन टू द अदर स्पीसीज। ए सिंगल कॉम में यील्ड 60 pounds ऑफ हनी। एक सिंगल कॉम जो होता है 60 pounds ऑफ अली यील्ड देता है, विच इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आर कॉम, जो कि एक कॉम के लिए मैक्सिमम अमाउंट है। द वर्कर्स आर वेरी स्मार्ट, वर्कर बहुत स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं,
विश्व में पॉलिनेट, जो कि पॉलिनेट करते हैं मतलब 12,000 फ्लावर्स का डेली, मतलब कि पॉलिनेट का मतलब कि वो 12,000 फ्लावर्स को से मतलब कि डेली मतलब कि इसका रस चूसते हैं। बट ड्यू टू इस फेरिशियस, लेकिन इनके जो फेरिशियस मतलब हो गया खूंखार कह सकते हैं, फेरिशियस खूंखार इरिटेबल मतलब चिचड़े नेचर, स्पेसिफिक हाइव माइग्रेटरी हैबिट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, रैदर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है टू डोमेस्टिकेट देम फॉर द बी कीपिंग इंडस्ट्री। मतलब इनका नेचर जो फेरिशियस होता है इरिटेबल होता है, स्पेसिफिक हीव एंड माइग्रेटरी मतलब कि बहुत माइग्रेट करना हैबिट होती है इनकी, तो इसलिए इनको कह सकते हैं मुश्किल ही नहीं मतलब कि इम्पॉसिबल होता है कि इनको डोमेस्टिक किया जा सके बी कीपिंग इंडस्ट्री के लिए। और इसका दूसरा स्पीसीज है एपिस इंडिका एफ, इंडियन बी कहते हैं। सो कॉमनली फाउंड इन फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट में पाई थी एंड प्लेन रीजन खुले मैदानों में पाई थी इंडिया के। दिस इज स्लाइटली स्मॉलर दैन ए डोसेटा, जो कि स्मॉलर होती है ए डोसेटा के मुकाबले। दे प्रीफर टू लिव इन डार्क प्लेसेस, वो डार्क प्लेसेस में रहना प्रीफर करती हैं एंड कंस्ट्रक्ट सेवरल पैरेलल कॉम्ब्स, अब बहुत सारे सेवरल पैरेलल कॉम्ब्स को बनाती हैं अबाउट 1 foot अक्रॉस द प्रोटेक्टेड प्लेस, एक 1 foot अक्रॉस द प्रोटेक्टेड प्लेस, एक प्रोटेक्टेड प्लेस लाइफ लाइक कैविटीज ऑफ ट्री ट्रंक के कैविटीज में बनाएंगी, मड वॉल्स के में बनाएंगी, मटर मिट्टी की जो दीवारें होती हैं, अर्थें पॉट जो मिट्टी के बर्तन होता है थिक बुशेस पे बनाती हैं झाड़ियों में, एंड वेल एंड वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग्स कुओं में हो गया, और वॉल्स मतलब बिल्डिंग की वॉल्स बनाती हैं। दिस स्पीसीज इज वेरी जेंटल इन नेचर, ये जो स्पीसीज होती है नेचर में मतलब बहुत जेंटल होती है, सो कैन बी डोमेस्टिकेट, इसलिए इसको आसानी से हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज मच लेस बहुत कम होता है, 6 to 7 pounds पर कॉम, 6 to 7 pounds पर कॉम। एंड थर्ड स्पीसीज है एपिस फ्लोरिया एफ लिटिल बी, दिस इज स्मॉलर दैन ए इंडिका, ये इंडिका के मुकाबले में स्मॉल होती है एंड ईल्ड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी, और बहुत कम ही ये हनी ईल्ड करती देती है। द बीज आर नॉट ऑफ ग्रीगेशियस नेचर, जो बीज होती हैं वो खूंखार नेचर की नहीं होती हैं एंड फॉर्म अ सिंगल कॉम, और सिंगल कॉम बनाती हैं ड्यू टू इस डोसाइल नेचर एंड रेयर स्टिंग, इनका नेचर डोसाइल होता है, रेयर स्टिंग मतलब हो गया कि जो स्टिंग मतलब होता है डंग मारना, डंग नहीं मारती, बहुत कम डंग मारती हैं ये, एंड बिहेवियर द कॉम्स कैन बी रिमूव इजली, इस वजह से इनका कॉम जो होता है मतलब कि बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं फॉर द हनी एक्सट्रैक्शन। एंड फोर है हमारा एपिस मेलिफेरा एफ यूरोपियन बी, ऑल्दो दिस बी प्रोड्यूस लेस हनी, बीज होती है ये लेस हनी प्रोड्यूस करती हैं, येट इट इज़ फाउंड टू बी बेस्ट स्पीसीज फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट स्पीसीज होती है ड्यू टू देयर डोसाइल नेचर, इनका नेचर डोसाइल होता है, दे कैन बी डोमेस्टिकेट इजली, इस वजह से उनको इजली डोमेस्टिकेट कर सकते हैं एंड कैन बी इम्प्रूव बाई ब्रीडिंग, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं बाई ब्रीडिंग फॉर 700 years, कई सालों तक हम उनको ब्रीडिंग के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। आउट ऑफ दिस सेवर वेराइटीज़ द इटालियन वेराइटी इज रियर वेरी एवरी रियर किया था एवरी वेयर इन यूरोप एंड अमेरिका इन आर्टिफिशियल ही फॉर द हनी, इन आर्टिफिशियल ही उसमें जो इटालियन वेराइटी होती है उनको रियर किया जाता है एवरीवेयर इन यूरोप अमेरिका इन आर्टिफिशियल ही, आर्टिफिशियल हीव्स होती हैं उनको बनाया जाता है, उसके बारे में आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में एंड